नमस्कार जी, मैं हरप्रीत जेवीवी न्यूज़ से। कोरोना वायरस दिन ब दिन अपना कहर पूरी दुनिया में फैलाता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे कि भारत में अब कोरोना वायरस की संख्या बढ़ती हुई नज़र आ रही है। धीरे धीरे कोरोना वायरस अपना कहर पूरी दुनिया में फैलाता जा रहा है, जिनकी भारत में अब तक की जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट है वो कुछ इस प्रकार हैं। अब तक के जो भारत में कोरोना वायरस के मरीज कन्फर्म पाए गए हैं वो है 3,95,048, जिनमें से 24 घंटे में जो केस कन्फर्म हुए हैं भारत में वो है 14,516, और अब तक के जो कोरोना वायरस के केस रिकवर हुए हैं भारत में उनकी संख्या है 2,13,830, जिनमें से 24 घंटे के अंदर रिकवर केस पाए गए हैं वो है 9,120, और अब तक के जो कोरोना वायरस के मरीजों की जो डेथ हुई है उनकी संख्या है 12,948, जिनमें से 24 घंटे के अंदर अंदर जिनकी डेथ हुई है वो है 375 केस, और अब तक के जो कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या एक्टिव में पाई गई है वो है 1,68,269, जिनमें से 24 घंटे के अंदर अंदर जो एक्टिव केस पाए गए हैं वो है 5,021। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की संख्या दिन ब दिन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, तो ये कहना चाहेंगे कि आप सब लोग अपनी और अपने घर वालों की जो है सेफ्टी बनाए रखें, और मास्क लगाकर घर से बाहर निकलें, और सैनिटाइज़र से बार बार अपने जो है हाथ धोते रहें, और जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। धन्यवाद जी।